साधु जी सीताराम, जोर से बोलो। ओ साधु जी सीताराम, की हाल है? ठंडी लग रही है? जय होता तुम्हारी। क्या कहना हो यो पंजाबी पागल। परात पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा मंगलमयी दया का प्रभाव, श्री सीताराम जी सरकार के अनुग्रह से समस्त जगत में जिनकी कृपा से चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल, दीन वत्सल, दयालु दीनानाथ भगवान श्री सीताराम जी सरकार के चरणारविंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, धन्य है वीर बजरंग बली। भैया ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। ऐसे अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी सरकार के चरणों को प्रणाम करते हैं। बागेश्वर बालाजी को प्रणाम, दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम एवं भगवती माता वैष्णो माता के चरणों को प्रणाम, बगलामुखी माता को प्रणाम, माँ नैना देवी के चरणों को प्रणाम। साथ ही हमारे बाम भाग में विराजमान धरती के चलते फिरते भगवान, इस पंजाब क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर क्षेत्र के सभी साधु महापुरुष आचार्य गर्म विराजमान हैं, सभी के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। दक्षिण भाग में भी विराजमान पूज्य महाराज जी के चरणों को भी प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम एवं दिन में 12 बजे से कुछ लोग बैठे, गुरु जी आएंगे 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 आएंगे, लेकिन हम हो गए ऊंची चिरैया। आए तो हम टाइम पर, हमारे सलारिया जी ने गाड़ी अलग डाल दी, पठानकोट के भीतर हो, पूरे रास्ता भर माला घली, फूल घले, लेकिन इस बहाने हमने पठानकोट भी देख लिया। रुको रुको रुको, जल्दबाजी ना करो। केवल हमने पठानकोट नहीं देखा, पठानकोट में सनातन के प्रति हिंदुत्व का उबाल भी देखा है। हाँ, घर घर से जो लोग निकल कर आए, वैसा तो ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत थी, हमें बहुत कष्ट हुआ। हमारी पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी है, पूरी पुलिस प्रशासन ने हमको साकुशल यहाँ तक पहुँचाया, बहुत मेहनत की, वर्दी गीली हो गई, किसी को चोटें भी लग रही थी, फिर भी अपने शरीर को अड़ा अड़ा करके हमें बचा कर यहाँ तक ले आए पगलों से, वरना हमें आज पठानकोट की गली में लग रहे थे कि गुरु जी राम नाम। हमारी माता जी कह रही थी साकु सलाना, हमने कहा और तो कुछ नहीं, आंख कान तो फूटे ही जा रहे, हम भी इतने बदमाश, हमने शीशा ही नहीं खोला, दो बार हमने ट्राई किया शीशा का, एक भाई साहब चढ़ गए गुरु जी, अरे हमने कही कांबिल्ला के सो भीतर आ गए बाहर जा हाफत हो जाए, अरे बोले गुरु जी सेल्फी सेल्फी सेल्फी, अरे हम कही खा ले प्राण तो सेल्फी की पड़ी, हमें प्राणन की पड़ी। बड़ी मुश्किल से वो माना, पे बोला तो गुरुजी पे फोटो खिंचवा लेगी, अरे हम कही हम अपने बाप की कसम खा रहे हैं, हम तुम्हें बाद में खिंचवाएंगे, अभी पिंड छोड़ दो। लेकिन धन्य है यहाँ की पुलिस प्रशासन, एक बार ताली बजा करके धन्यवाद जरूर दीजिए पूरी पंजाब पुलिस। हमारे SP महोदय साहब, अभी IG महोदय आए थे, सभी ने आकर के बहुत अद्भुत व्यवस्था की। हमें बहुत दुख हुआ, कई लोग हमारे कारण, हमें आज बहुत दुख हो रहा था, इसीलिए अब हम कलश यात्रा में जाते नहीं, हमारे कारण कई लोगों को धक्का मुक्की हो जाती। माताएं बिचारी फूल में माला, हाथ में माला फूल के लिए खड़ी रहती, उन तक हम पहुंच नहीं पाते, और भीड़ भाड़ के कारण मजबूरी हो जाती, हम भी नहीं पहुंच पाते। आज हमें बड़ा आत्मीय कष्ट हो रहा था कि राम 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 राम, बताओ तो कितनी श्रद्धा है, और हम नज़दीक तक माताओं के नहीं, माताएं फूल लिए बढ़िया हाथ में, कोई पानी का गिलास लिए, कोई छोटे छोटे युवान बच्चे, हमें तो पंजाब में पहली बार देखकर आश्चर्य हुआ कि पंजाब में युवा भी सनातन के प्रति इतना जागा हुआ है। हैं, ये देखो ये सामने बैठे पगला, जय हो। अरे हम पहचान गए थे जैसे ही मंच पर चढ़े थे, देख लो तो कि पगला ही तरफ है। जय जय जय, सभी युवान बच्चे, हाँ हाँ, जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हैं,
सामने बैठे हैं, आप सबको भी हम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम, बोलो बोलो बोलो, सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, आज हमारे भाग्य खुल गए, हमें पंजाब की धरती पर माता वैष्णो रानी की तलहटी में कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा है। कितना अद्भुत माहौल है, सामने में माता वैष्णो रानी है तो बगल में भगवती माता नैना देवी भी विराजमान है। एक तरफ वैष्णो माता, दूसरी तरफ माता नैना देवी, और तीसरी तरफ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब विद्यमान है। इस त्रिवेणी से भरा हुआ यह आनंद की भूमि पंजाब, और पंजाब का यह क्षेत्र पठानकोट, और पठानकोट की इस तलहटी में, कंदराओं की तलहटी में बैठकर ऐसा लग रहा कि पुराने जमाने में जब कथा होती होगी तो ऐसी ही कंदराओं के मध्य होती होगी, और क्या आनंद संतों के मध्य आता होगा। आकर के हम बड़े गदगद हैं, और आप लोगों को 3 दिन तक भगवत चरित्र, जो देवी की इच्छा होगी माता की, देखो हमको कुछ नहीं आता, पर सामने है वैष्णो माता, उनकी दया होगी, तो जो भी गुरु कृपा से बनेगा हम आपको सुना देंगे। एक बात मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना कहें, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ या बद्दुआ ईश्वर से भी टाली नहीं जाती। चार चार बेटों का पालन करती है माँ, लेकिन आज का जमाना साहब ऐसा है, चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। इसी भाव के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं, और हम 9 दिन की कथा सुना रहे हैं। 3 दिन हमने अंबाजी में, गुजरात में एक सिद्धपीठ है अंबाजी, वहां से कथा प्रारंभ की थी, पर 3 दिन हमने अहमदाबाद में कल विराम की, और कल ही रात को बड़ोदरा होते हुए हम सुबह अमृतसर पहुंचे। वहां पर हमने दुर्गियाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए, इसके बाद प्रणाम करके फिर हम अभी 4 बजे आ पाए, थक बहुत गए थे तो लेट जरूर हो गए। आज 1-1.5 घंटा तक कथा कर लें, दिक्कत तो नहीं है आपको, जल्दी तो नहीं है, है? हाँ, और कल बड़ी देर तक कथा भी सुनाएंगे, और कल दिव्य दरबार भी लगाएंगे, लेकिन कल दिन में, आज शाम जरूर हो गई, कल दिन में। खैर तुम्हें कौन सा, जिंदगी भर काम रहना है, 3 दिन ना भी काम करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, हैं? ऐसा मौका लौट कर मिलना नहीं, लेकिन हमने एक चौपाई को आधार बनाया 9 दिन की कथा में, वो चौपाई ये है, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम
श्री राम जय राम जय 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 जय